हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो आफ्टर दैट ड्रॉ अगेंस्ट कुवैत, अभी यहाँ पर इगोस्ट मैच ने न्यू 23 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है। न्यू तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारे चेंजेस किए जिसमें चार मेंबर नहीं है। सो वो चार मेंबर में से एक तो ऑब्वियसली सुनील छेत्री सर विल नॉट बी अवेलेबल अगेंस्ट कतार, जो की टीम है। अभी कौन से तीन प्लेयर को बाहर निकाला गया है, क्या है स्क्वाड, आइए ये वाले वीडियो में बात करेंगे। एंड क्वेश्चन तो वही रहेगा सबके दिमाग में कि क्या हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे कतार के अगेंस्ट, या जीत पाएंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द राउंड थ्री। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या स्क्वाड है। तो स्क्वाड की अगर बात करें तो इगोस्ट मैच हैज अनाउंस 23 मेंबर स्क्वाड अगेंस्ट द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर गेम दैट इज कतार। अभी गोल कीपर्स में देयर इज नो चेंज, गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, विशाल के, ये तीन ही रहेंगे। डिफेंडर्स में अगर आप बात करोगे, इट्स अनवर अली, जय गुप्ता, मेहताब सिंह, नरेंद्र गहलोत, निखिल पुजारी, राहुल बेके। जी हाँ दोस्तों, डिफेंडर्स में अगर आपको देखेगा तो चेंज देखने मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर सुभाषिस बोस नहीं है, अमय रनावर नहीं है एंड लालचंद नुंगा नहीं है, ये तीन प्लेयर्स नहीं है इन दिस स्क्वाड। अगर बात करें ये तीनों निकल दिया गया है, नो अमय रनावर, लालचंद नुंगा एंड सुनील छेत्री सर, एंड ऑल्सो सुभाषिस बोस भी नहीं है। एंड डिफेंडर्स काफी ज्यादा निकाले, आई डोंट नो व्हाई, लाइक क्या सोच के डिफेंडर्स निकाला है। बोस तो अच्छा था, ऑटोमेटिकली उसको क्यों निकाल दिया, क्या पता अगर पर्सनल रीजंस होंगे तो चलो ठीक है अग्री करते हैं, बट क्या पता शायद से इगोस्ट मैच जय गुप्ता के साथ ही जाएगा और अभी जाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी लेफ्ट बैक। एंड राइट बैक भी अगर बात करोगे, यू हैव टू गो विथ निखिल पुजारी। तो मेरे हिसाब से जो डिफेंस कुवैत वाले गेम में खेला था, तो वही गेम खेलेगा, वही डिफेंस रहेगा कतार के अगेंस्ट भी, बिकॉज जो बैकअप ऑप्शन थे आपको तो आपने तो उसको निकाल दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि एनी चेंज विल बी हैपन इन द डिफेंस अगेंस्ट कतार। तो ये हो चुके डिफेंस के बारे में। मिडफील्ड में अगर बात करें तो अनिरुद्ध थापा, ब्रेंडन फर्नांडिस, एडमिंड लालरिंगका, जिक्सन सिंह, फिर लालिंगसरा चांगटे, लिस्टिंग कोलाको, महेश सिंह नौरम, नंद कुमार शेखर, सर अब्दुल समद, सुरेश सिंह। तो काफी ज्यादा चेंजेस हुए नहीं, लाइक चेंजेस हुए नहीं। मिडफील्ड का जो सेक्शन है वो कंफर्म है, इट्स नॉट चेंज, अनचेंज है। अगर आप बात करें इसमें फॉरवर्ड्स में, मनवीर सिंह, रहीम अली, विक्रम प्रताप एंड डेविड जो मोमेडन स्पोर्टिंग क्लब का है। तो अगर आप बात करें कि मेजरली जो चेंजेस हुए हैं या तो कौन से प्लेयर्स कौन से पोजिशन से निकाले हैं, वो डिफेंडर्स ही है। तो अमय रनावड़े, लालचंद नुंगा एंड सुभाषिस बोस, ये तीन प्लेयर्स को निकाल दिया गया है एंड ऑब्वियसली सुनील छेत्री सर विल नॉट बी अवेलेबल। तो यहाँ पर एक जो मेजर पॉइंट है कि ये देखना पड़ेगा कि इगोस्ट मैच किसके ऊपर भरोसा रखते हैं कि जो नंबर 9 खेलेगा। जी हाँ, नंबर 9 कौन खेलेगा इन प्लेस ऑफ सुनील छेत्री सर। वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप ऑप्शंस तो बहुत है बट कोई खेलता नहीं, बिकॉज आपके पास रहीम अली है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, डेविड है, लिस्टन कोलाको है, विक्रम प्रताप सिंह है, तो आप किसको स्टार्ट करोगे, दैट विल बी द मेजर पॉइंट। एंड क्या वो स्टेप अप कर पाएगा, तो वो बड़ी बात है। लेकिन अमय रनावर को आपने क्यों निकाला, लालचंद नुंगा को क्यों निकाला, लाइक दिस आर द सेंटर बैक ऑप्शंस। लाइक अगर आप बात करोगे कि अगर एक बंदा जो राइट बैक और सेंटर बैक खेलता है, तो आप उसको ही सेंटर बैक पे खिलाते रहोगे, तो आपका जो नेचुरल सेंटर बैक है, ठीक है, आपका जो नेचुरल सेंटर बैक है, तो वो क्या घास खाने गया है या तो घास चराने गया है, तो वो उसको क्यों लेते हो तुम, तो मुझे नहीं समझ में आता। लाइक यू आर प्लेइंग विद राहुल बेके, हु इज अ राइट बैक, हु इज अ सेंटर बैक ऑल्सो। चलो ठीक है, समझ के एक्सपीरियंस वगैरह फलाना ढिंकाना है, बट भाई लालचंद नुंगा इज अ प्रॉपर नेचुरल सेंटर बैक, तो आप उसको क्यों नहीं रखते, तो ये मुझे नहीं समझ में आता। लाइक एवरी टाइम कभी भी कुछ इंजरी हो जाती है, तो यू प्ले अ पर्सन, यू प्ले अ प्लेयर जो कि राइट बैक और सेंटर बैक है, लेकिन उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं जो कि यंग सेंटर बैक है, आप उसको ट्राई नहीं करते हो और फिर बोलते हैं कि हमारे पास सेंटर बैक नहीं है। अरे काय का घंटे का सेंटर बैक नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी अगर आप चांस होता है चांस देने का यंग प्लेयर्स को, तब आप देते नहीं हो, तब आप फट्टू की तरह एक्सपीरियंस प्लेयर्स के जाते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। सो भाई ये स्क्वाड थी, स्क्वाड में अगर आप देखोगे मेजरली कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ चार प्लेयर्स निकल गए, सुनील छेत्री सर ऑब्वियसली रिटायरमेंट हो चुके हैं, सुभाषिस बोस, अमय रनावड़े एंड लालचंद नुंगा, तो ये चार प्लेयर्स निकल गए एंड दिस इज द 23 मेंबर स्क्वाड। लेट्स सी, मेरे हिसाब से तो होप नहीं है, आई डोंट गेट एनी होप फ्रॉम दैट लास्ट गेम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चैट ये है कि लास्ट टाइम जब हमने कतार के अगेंस्ट ड्रॉ किया था लास्ट 2019 के टाइम पे, आपको पता है एक हीरोइक परफॉर्मेंस थी यहाँ पर गुरप्रीत सिंह संधू की तरफ से, तो तभी सुनील छेत्री सर नहीं थे। जी हाँ, तभी सुनील छेत्री सर नहीं थे, तभी हमने ड्रॉ किया था, तो वो कनेक्शन आप डॉट्स लगा सकते हो, बिकॉज ये बार भी सुनील छेत्री सर नहीं रहेंगे, गुरप्रीत सिंह ऑब्वियसली थे, सो लेट्स होप फॉर अ मिरेकल। और वो गेम जो हमने ड्रॉ किया था वो भी अवे था, और ये भी अवे मैच होने वाला है। लेट्स सी, लाइक मैं तो बोलूंगा एक्सपेक्टेशन मत रखो, फिर से आपका दिल टूटेगा, तो जस्ट सिट देयर, लेट्स वॉच द मैच, हो गया अच्छी बात है, नहीं हो गया घर पे जाएंगे वैसे, बिकॉज दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो इस भाई मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, एंड जरूर बताना कि आपके क्या थॉट्स है ये पूरे स्क्वाड के ऊपर।